चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, बीजेपी देखिए जिस तरह से आज पवन खेड़ा जी को झूठ बोल करके पहले फ्लाइट से उतारा गया और अब ये कहा जा रहा है कि हम डीप्लेन कर रहे हैं, एफआईआर की कोई कॉपी शो नहीं कर रहे हैं, डीजीसीए के जो रूल्स हैं उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, सीधे सीधे कहने कि हमें वर्बली कहा गया है असम में एफआईआर है, यहाँ एफआईआर है और हम ले जाएंगे। ये पूरी तरह से नियम कानून संविधान के खिलाफ है। हम उसके लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं पवन खेड़ा जी के साथ। ये आपकी अभिव्यक्ति की आजादी की असलियत है और अगर आपको एक्शन लेना ही है अब शब्दों पर तो खूनी पंजा पर, कांग्रेस की विधवा पर, जर्सी गाय पर, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड पर, रेनकोट पहनकर नहाते हैं हमारे प्रधानमंत्री को कहने पर, पहले नरेंद्र मोदी जी को गिरफ्तार करिए और फिर किसी के खिलाफ एक्शन लीजिएगा। निजी आक्षेप आप लगाते हैं। आज हम सब इंडिगो की फ्लाइट से कांग्रेस महाधिवेशन के लिए रायपुर जा रहे हैं। यकायक उन्होंने हमारे साथी पवन खेड़ा जी को कहा कि आपका बैग रह गया है, उनके पास कोई बैग है ही नहीं। आखिर में पुलिस आई और कहा कि असम पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज की है, तो हमने कहा कि आप गिरफ्तार कर लीजिए, प्रोडक्शन वारंट मजिस्ट्रेट का दीजिए या गिरफ्तारी का लिखित ऑर्डर दीजिए। ना वो एफआईआर देते, ना मजिस्ट्रेट का प्रोडक्शन वारंट उनके पास है, ना उनके पास कोई गिरफ्तारी का ऑर्डर है। ये बिल्कुल सरासर गैर कानूनी है,